कुछ नहीं है। तो भाई आज हम लोग NS 200 पे ना ऑफ रोड वाला स्किल दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि ये अब कितनी कैपेबल हो चुकी है कितनी नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको हीट अप करते हैं, इंडिकेटर फ्लैशर सब ऑफ करते हैं। दूसरी बात कुछ नहीं है, फंस गई। और भाई देख सकता होता है फंस गई, यहाँ भी आ गई बिना अड़े। देखो यार, और भाई मिट्टी के देखो क्या क्या हाल रखा है, भंड की पूरी टायर पूरा का पूरा। सो फाइनल वीडियो इसकी, ये हट गई भाई यहाँ पे। सो यार ऑफ रोड करने के पहले तो बहुत मज़ा आता है, बाद में बहुत मज़ा आता है, बट द सिचुएशन इज़ कि ऑफ रोड में बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है। जैसे कि NS 200 को आप कितनी भी ऊंची उठा लो बट ये चीज़ कभी भी टिक सकती है। अब इसको टूटे हुए इसके अवशेष दिखाता हूँ कहाँ पड़े हैं। देखो इन द केस मैं यहाँ से गया था एंड मेरा जो पिछला टायर था वो यहाँ पे धंस गया था, तो जो बैली पैन है ना इसका वो निकालना पड़ेगा आपको अगर ऑफ रोड करनी है तो यहाँ पर लग के एक तरफ को जब ये गिर गई थी तब ये टूट गया, तो वो चीज़ देख लेना। और इधर वाला देखो बच गया, बट हम लोग इसे दोनों ही चेंज कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अड़ा तब है जब पिछले वाले बैली पैन की वजह से रुकी थी ये, तो इसको ना अगर आपको बिल्कुल सही करके रखना है तो बैली पैन निकाल दो, अगर आपको ऑफ रोड करनी है तो बैली पैन भी निकाल दो। और मैं इसका भी सोल्यूशन देखूँगा, इसकी कोई जाली वाली टाइप आती है जो रॉयल एनफील्ड में लगती है तो आप इसमें वो लगाएंगे, क्योंकि यार ये चीज़ें बार बार टूटना या फिर इनको लगाना कोई लॉजिक वाली चीज़ नहीं है, इनको बार बार हम नहीं लगाएंगे, एक बार बैली पैन लगा देंगे दूसरे वाला। और अंडर बैली हटाना पड़ेगा इसका, अंडर बैली भी देख लूँगा कैसे हटेगा, DB किलर के साथ लगाऊंगा, पट पट वाली आवाज़ नहीं करेंगे, आवाज़ हमेशा जेन्युइन रहेगी, कॉन्टेंट हमेशा जेन्युइन रहेगा, छपरी टाइप कुछ नहीं होगा। और इसको प्रॉपर एक ऑफ रोड वाली जगह पर लेके जा रहे हैं, इसीलिए ये हरकतें हमको करके एक बार देखनी पड़ रही है क्या क्या टूट सकता है, वो चीज़ें उतार के जाएंगे फिर हमेशा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।